बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे शिकारी भाइयों को, अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर भैया, सारे जानते हैं आप मुझे। मैंने आज से एक हफ़्ता पहले मलक नहीम की मीटिंग के अंदर एक बात कही थी, वो रावल डैम के हवाले से भाई मेरे, ठीक है। और आज भी मैं उस बात पे अपने कायम हूँ। और मैंने ये कहा था, जो बंदे रजिस्टर हुए हुए हैं, अगर ये अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, कह देते हैं भाई हमसे शिकारी भाइयों के लिए कुछ नहीं हो सकता, जो इनके मेंबर हैं या कुछ है जिनको तासे देते हैं, तो भाई मेरे नहीं हो सकता। एक प्लेटफार्म पे या किसी जगह के ऊपर, किसी ग्रुप के अंदर, किसी प्लेटफार्म पे आके, किसी जगह पे आके कह देंगे कि हम ये काम शिकारियों के लिए नहीं कर सकते, तो भाई आज भी मैं कायम हूँ अपनी बात पर। 500 रुपये की पर्ची की और मैं करा दूँगा। और जितने मेरे शिकारी भाई हैं सब मुझे जानते हैं, और जो मेरे साथ ऐड हुए हुए हैं, जो कोई हैं, जितने मेरे पिंडी के इलाके के, मंगला के, जितने भी हैं, सारे मेरे काबिल एहतराम हैं और मैंने सब की इज़्ज़त करता हूं मैं। और ये वीडियो डालने का ये मकसद नहीं है कि मैं कोई जलन में डाल रहा हूं या किसी के दिल आजारी करने के लिए डाल रहा हूँ। ये सारे मेरे भाई हैं, जितने रजिस्टर वाले हैं, जो कुछ भी हैं, सारे मेरे काबिल एहतराम हैं। जितने क्लब वाले हैं सारे मेरे काबिल एहतराम हैं। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं किसी का, अल्लाह ना करे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने शिकारी भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि जो ये रावल डैम है आपका, तो यार इसके लिए भाई खुदा रहा है कुछ करें, ताकि इतनी इतनी दूर लोग, अब इतना खर्चा होता है, ठीक है, शौक का कोई मूल नहीं है, पर अपने एक रावल डैम की एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर बंदा छोटा बड़ा जाके अपनी तफरी कर लेता, अपना शुगर लगा लेता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन दोनों क्लब वालों से कि आप जाएं, बातचीत करें उनसे, यार रावल डैम को प्लीज़, जो एक देखे 3 दिन के लिए हैं, इसको आप पूरा हफ्ता करवाएं, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं होता तो भाई मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप अपने हाथ खड़े करें, और किसी ग्रुप के अंदर, किसी जगह के ऊपर, कि आप शिकारी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो यार इंशाल्लाह ताला जो मैं आज भी कह रहा हूँ, मलक नहीम की मीटिंग के अंदर भी कहा था मैंने कि भाई वो 500 रुपये की पर्ची, 4 राड इंशाल्लाह ताला अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं भाइयों का हमेशा, आप लोग जहाँ भी होते हैं, जिधर मेरा हाथ पड़ता मैं ज़रूर अपने शिकारी भाइयों के लिए करता हूँ। अगर मेरी इस बात से किसी की दिल आजारी हो रही है, कुछ हो रही है, यार मैं माजरत करता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है कि ये डालने के लिए, हम तो इसलिए हैं कि मैं इस चीज़ से दूर भागता हूँ कि यार ये क्लबों शलबों से, इस चीज़ से मैं करके देख चुका हूँ। आगे भी क्लब कई बनाए हैं और मैंने साथ दिया, 300-400 बंदा मैंने लोगों को दिया है। आखिर क्या हुआ है, शर्मिंदा हूँ मैं, उन बंदों से भी शर्मिंदा हुआ जो मैं लेके गया हूँ। तो लिहाजा भाई नाराज़ ना होना, ये जो मैं क्लिप डाल रहा हूँ इसके ऊपर गौर करें। मैं मंगला वाले जितने भी हैं, मंगला के, मीरपुर के, मैं सबको सलाम दोनों हाथों से करता हूँ, इसलिए कि उनकी जो यूनियन है, उन्होंने अपने बंदों के लिए देखे 50 रुपये की राट की है। देखो पता लगता है उन मंगला वालों ने काम किया। उन सबको मैं सलाम कहता हूँ, सब मेरे मुकाबले तराम हैं, मंगला के, मीरपुर के, जितने भी हैं, सब छोटे से लेके बड़े तक मेरे काबिल एहतराम हैं। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, वो सब मेरी इज़्ज़त करते हैं। ताहिर भैया को इंशाल्लाह पूरे पिंडी की आवाम जानती है, हर किसी के अच्छे भी दोस्त हैं, बुरे भी हैं, किसी को कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। तो लिहाजा इस वीडियो का यह मकसद नहीं है मैं किसी की कीचड़ उछाल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। मैं तो ये शिकारी भाइयों के लिए कह रहा हूँ, अगर मलक नहीम साहब अगर इसका कोई साथ दे रहे हैं या वो कोई बात कर रहे हैं, शिकारियों के लिए कर रहे हैं यार, वो ये अच्छी बात है। कोई ऐसा बंदा है जो मलक नहीम की जगह आगे खड़ा और शिकारियों का साथ दें? देखे वो शख्स जो सा है ना, सब के लिए लड़ रहा है। तो लिहाजा मैं एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर जो बंदा अगर सही साथ दे रहा है उसका आप साथ दें, और देना चाहिए। तो इसलिए तो मेरी कोशिश यही है कि यार चलो अगर वो शिकारियों के लिए कुछ कर रहा है तो मैं उसका थोड़ा साथ दूँ। तो लिहाजा भाई इसके लिए सोचें, ये किस्त नंबर, पहले वो जो मलक नहीम के मीटिंग के अंदर वो किस्त नंबर 1 थी, ये किस्त नंबर 2 है। अगर मज़ीद अगर कुछ बात को उछालेंगे या कुछ करेंगे, किस्त नंबर 3 भी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम।